सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 2.2। 2.2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने किस्म का होता है एंड उस सब का जो वो प्रॉपर्टी होता है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर मेरा पहला जो पार्ट है उस सब को नहीं देखे हैं तो पहले मेरा चैनल पे जाइए और उस सब जो पहला वाला जो पार्ट है उसको देख लीजिए। अदरवाइज़ ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ये वीडियो का, इसमें भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा जो पहला वाला जो सब पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2.1, वो सब का लिंक दिया हुआ है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउजर में YouTube खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बेसिकली क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो बेसिकली चार टाइप्स का है, फोर। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर ही पूरा चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ओके। एमोरफस सॉलिड में ऐसा है कुछ नहीं जिसको लेके ज़्यादा डिस्कशन करना पड़े, सिलेबस में भी ऐसा ही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली चार टाइप्स का है। नंबर 1 इज आयोनिक, नंबर 2 इज मॉलिकुलर, नंबर 3 इज कोवेलेंट एंड नंबर 4 इज मेटलिक। तब अभी हम लोग यहाँ पर पहला जो आयोनिक है इसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, दिस वन इज आयोनिक। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स। मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन जो सब है पॉजिटिव नेगेटिव है, सो इसके अंदर और इसके बीच में हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इसमें वही रहता है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के वजह से इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट क्या है? ये जो सब सॉलिड है बेसिकली ये तो सॉलिड स्टेट में कोई कनेक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन अगर ये हम लोग इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में जब जाएगा तब ये लोग कंडक्टिविटी शो करता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या है, जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं NaCl, जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये न्यूट्रल, लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में जाएगा तब Na+ एंड Cl- फॉर्म होगा। ये जो कैटायन दैट मीन्स ये वाला एंड ये जो एनायन ये जो फॉर्म हो रहा है यही तो जो कंडक्टिविटी मेरा शो होता है इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज यही जो दो मेरा आयोन्स है यही तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एज ए कैरियर काम करता है। अब उसके बाद वाला पॉइंट में आएंगे तो इसमें देखा जाता है जो आयोनिक सॉलिड होता है, इस पॉइंट में जो आयोनिक सॉलिड होता है वो बेसिकली सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मीन्स क्या है? जो सब सॉल्वेंट में एक पोल क्रिएट होता है, जैसे वाटर H2O, लेकिन इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? बेसिकली जो सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है दे आर ऑल नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द आयोन्स क्लोजली पैक्ड। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सो दो आयोन के बीच में कोई गैप नहीं होता है, सो दे आर क्लोजली पैक्ड। अब लास्ट पॉइंट क्या है? दे शो ब्रिटलनेस, मतलब ये सब टूट जाता है, ये जो क्रिस्टल है ये बेसिकली मतलब ये तोड़ा जा सकता है, टूटता है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड है वो है मॉलिकुलर सॉलिड। हम तो आयोनिक सॉलिड हम लोग डिस्कशन कर लिए, अब आ गया मॉलिकुलर सॉलिड। तो ये जो मॉलिकुलर सॉलिड है ये बेसिकली 3 टाइप्स का है। एक तो ये है यहाँ पर जो हम नॉन पोलर देख रहे हैं, नंबर 2 जो है वो है पोलर एंड नंबर 3 जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली नॉन पोलर जो है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मॉलिकुलर सॉलिड क्या है। देखिए मॉलिकुलर सॉलिड जो है यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन, ये एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये बेसिकली 3 टाइप का है,
एक नॉन पोलर, एक पोलर, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पर हम लोग नॉन पोलर को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या है? देखिए, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आदर एटम्स लाइक नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिकूल लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। मतलब ये एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब है। नंबर टू पॉइंट में क्या है? द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम आर वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। देखिए यहाँ पर तो कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आयन नहीं है, जो पहला वाला में था आयन था, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई था। यहाँ पर बेसिकली वीक लंडन फोर्स है। ये देखिए, ये जो हम पिक्चर दिया ये एक लंडन फोर्स का जो पिक्चर है ये दिया। लंडन फोर्स क्या है इसके लिए बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर थ्री पॉइंट क्या है? दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो सॉलिड भी सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल है, पहला वाला जैसा नहीं है, तो पहले वाला में क्या है जो एक आयोनिक जो रेडिकल है वो सब था, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, सो ये लोग कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। एंड ड्यू टू द सॉफ्टनेस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बहुत सॉफ्ट होता है बिकॉज यहाँ पर बीच में लंडन फोर्स होता है, लंडन फोर्स तो बहुत वीक फोर्स है, सो दे आर सॉफ्ट। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है? दे आर यूजली इन गैसेस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए क्या होता है इसका पैकिंग जो है उतना, मतलब क्या बोलेंगे, उतना ठीक ठाक नहीं होता है क्योंकि बीच में गैप रहता है। एंड गैप किसका रहता है? सॉलिड का तो कुछ, मतलब जो एकदम रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहता है उसका तो गैप नहीं होता है, जो लिक्विड होता है उसका थोड़ा बहुत गैप रहता है, जो गैसियस स्टेट में रहता है उसका तो बहुत बहुत ही गैप है। ठीक है, तो इसका देखिए लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए दो मॉलिक्यूल बहुत सामना सामने नहीं आ पा रहा है, सो दे आर इन रूम टेम्परेचर जनरली गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट। अब नेक्स्ट आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सब है वो सब है पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl, HCl तो पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि अगर HCl का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा सेल इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पर एक डेल्टा माइनस एंड यहाँ पर एक डेल्टा प्लस चार्ज आता है, तो जहाँ पर दो पोल क्रिएट होता है सो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये सब मॉलिक्यूल जो ये सब टाइप्स का जो सॉलिड है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो है पोलर मॉलिक्यूल। नंबर टू पॉइंट में क्या है? द डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिकुलर सॉलिड। देखिए जो सबसे पहला जो था आयोनिक, उसमें क्या आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। नेक्स्ट वाला में जो था उसमें क्या था? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस वाला में क्या है? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है लेकिन आयोनिक से बहुत कम पावरफुल है, इसलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वही दिया हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, तब इसे इसका जो मतलब ये जब सॉलिड है ये बेसिकली जो इसका पहले वाला जो सॉलिड था, मतलब जो नॉन पोलर था, उससे थोड़ा थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट में देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिवली हायर देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए इसका पहले वाला जो पॉइंट है वो डिस्कशन करना भूल गया, ये वाला पॉइंट। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब लास्ट का पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर इन द गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सब भी क्या है? जो रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ये करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड नाम से हम लोग को मालूम हो जाएगा कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? जैसे H2O, एमोनिया ये सब है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इन दिस द सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन ए हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हिच इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है? दो डाइपोल क्रिएट होता है एंड डाइपोल क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वाटर, वाटर का अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये होगा वाटर का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो इसमें डेल्टा माइनस एंड ये सब में क्या है? डेल्टा प्लस एंड इसमें भी डेल्टा प्लस होता है। अब क्या है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होता है, सोचिए यहाँ पर और एक वाटर मॉलिक्यूल है
तो इसमें भी सेम केस होगा, क्या होगा, ये होगा डेल्टा प्लस, ई भी डेल्टा प्लस, एंड ये होगा क्या, डेल्टा माइनस। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन एंड ये ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो बॉन्ड एक क्रिएट होगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में ये बॉन्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो दिखा दिया पहले ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे एग्जिस्ट एज वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पहला वाला जो दो बॉन्ड था उससे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा पावरफुल है। थोड़ा पावरफुल होने की वजह से क्या होता है, इसमें बेसिकली जो गैसियस स्टेट में नहीं होता है ये सब सॉलिड क्या है, वोलाटाइल लिक्विड होता है या वेरी सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कुछ कंडक्शन मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। देखिए हम जो नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मेरा नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर जो है वो उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें हम जो नोट है उसको पोस्ट कर देंगे। अदरवाइज आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको नोट जो है उसका पीडीएफ फॉर्म भेज देंगे। अब जो पॉइंट में आएंगे वो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। देखिए जो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेन जो चार क्लासिफिकेशन किए थे उसमें ये था, तो सबसे पहले क्या था, आयोनिक था, देन मॉलिकुलर था, देन कोवेलेंट था, एंड इसके बाद है मेटलिक। ठीक है, तो अब हम लोग कोवेलेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। इसके पहला वाला जो था उसमें हम लोगों का तीन और भी सब टॉपिक्स था, सब टाइप्स था। कट, देखिए अब लोग सॉरी काट देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, हम लोग जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखे थे, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बेसिकली चार भाग में भाग गए थे, सबसे पहले जो था वो था आयोनिक, देन मॉलिकुलर, देन कोवेलेंट, एंड इसके बाद आएगा मेटलिक। ठीक है, अब जो सेकंड वाला हम लोग का था, दैट मीन्स जो मॉलिकुलर, वो अभी और भी तीन उसका क्लासिफिकेशन किए थे हम। ठीक है, एक पोलर, एक नॉन पोलर, एंड एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये अभी आ रहा है जो मेन जो पॉइंट है वो तीन नंबर पर आ गए, दैट मीन्स कोवेलेंट सॉलिड में हम लोग आ गए। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है जो बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, नंबर टू पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ए नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, एक कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क फॉर्म होता है। ठीक है, नंबर थ्री पॉइंट क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज डायमंड, डायमंड है। इन द डायमंड द कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स टू गिव अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, एंड क्योंकि डायमंड का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे तब देखेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड बहुत हार्ड है। ठीक है, वो जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड बहुत हार्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यही लिखा हुआ है, द सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड द ब्रिटल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है पॉइंट्स को कुछ याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, अगर आएगा तो ये 2000 पॉइंट ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देयर इंसुलेटर, ये सब इंसुलेटर है लेकिन इसमें एक हम लोग एक्सेप्शन है, वो है ग्राफाइट, क्योंकि ग्राफाइट इंसुलेटर नहीं है। अगर ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कार्बन क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी चार है, लेकिन ग्राफाइट का स्ट्रक्चर में देखा जाता है जो एक कार्बन और तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यही जब कंडक्टिविटी जो शो करता है इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्राफाइट का और एक अगर देखेंगे तो क्या है, ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एक ऐसा लेयर है एंड उसके नीचे और एक ऐसा लेयर है, एंड लेयर होने की वजह से क्या होता है कि एक लेयर और एक लेयर के ऊपर स्लिप कर जाता है, इसलिए ग्राफाइट आर बेसिकली स्लिपरी। देखिए ये सब पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए ग्राफाइट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए ये देखिए ये एक लेयर है, ठीक है, एंड ये भी एक लेयर है, तो इसके बीच में गैप रहता है, ये लेयर स्लिप कर जाता है। ठीक है, इसलिए ग्राफाइट क्या है, बहुत ही स्लिपरी है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो मेटलिक सॉलिड।
मेटेलिक सॉलिड में क्या है, मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बेसिकली मेटल्स होता है। अगर मेटेलिक सॉलिड का ऐसे क्या स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो ये देखिए ये है, ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है नहीं है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेटेलिक सॉलिड में बेसिकली क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल होता है एंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या है, सभी मेटल है एंड हम लोग क्या जानते हैं मेटल जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देता है एंड इजीली लॉस करके प्लस चार्ज फॉर्म करता है, दैट मीन्स एक कैटायन फॉर्म करता है। तो ये जो मेटेलिक सॉलिड इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कैटायन मतलब मेटल का प्लस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ये हम एक मेटल का एग्जाम्पल दिया, आयरन दिया, लेकिन सभी मेटल में ये होता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही लो होने के वजह से, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही लो होने के वजह से क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटल बहुत इजीली उसको लॉस कर देता है, ठीक है, एंड इजीली लॉस करने के वजह से क्या होता है कि मेटल जो है वो प्लस चार्ज फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये जो मेटल इजीली लॉस करता है ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाता है, तो इसको ही हम लोग मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हम मेटल का पूरा मॉडल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, जो पूरा जो ये है एक इलेक्ट्रॉन का सी एंड इसमें क्या है जो मेटल जो सब है वो सब एम्बेडेड रहता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है इसको हम लास्ट में दिखाएंगे, छोड़े अभी दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन सब है, ठीक है, देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉन का एक सी है, ठीक है, लगता है एंड इसमें देखिए जो प्लस 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 जो सब है वो सब मेटल एम्बेडेड है, जैसे हम लोग वो प्लम पुडिंग मॉडल देखे थे ऐसा ही है। तो ये क्या है, और थर्ड पॉइंट में तो जो हम जो बोले हैं वही है कि जो मेटल का क्या होता है बॉन्ड, जो बीच में बॉन्ड रहता है उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन सी में मेटल सब एम्बेडेड रहता है एंड इसके वजह से लोगों का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको ही हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड एक अलग टाइप का बॉन्ड है इसलिए उसका अलग नाम ही दिया गया है कि दिस इज मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं, क्या है, दे हैव अ हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दे मोस्टली पॉजेस लस्चर एंड कलर, कलर शो करता है, ठीक है, एंड लस्चर होता है। लस्चर मतलब क्या होता है, जो उसको जब हम पॉलिश करते हैं तब साइन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या है, ये प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं कि मेलिएबल मतलब क्या है, कोई भी एक मेटल का ब्लॉक को हम हीट करके उसको पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज द मेलिएबल। एंड डक्टाइल क्या है, कोई भी एक मेटल पीस को हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज डक्टाइल। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम सभी जानते हैं कि मेटल का बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एंड हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी बहुत हाई होता है। तो ठीक है, फिलहाल ये वीडियो में आज तक इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में YouTube खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके। अगर आप लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा वो वीडियो उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा एंड स्टूडेंट लोगों का हेल्प ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आज के लिए टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या आप ऐसा कोई चाहते हैं कि हम दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप ये वीडियो का कमेंट सेक्शन पे या कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन पे जाके लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड आप जो वीडियो बोलेंगे बनाने के लिए हम वो बना देंगे। तो फिर चलिए, आज इतना था कि टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।